السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وقيل يا رسول الله فما جلاؤها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزيزان الكرامي अल्लाह तबारक व तआला का एक दस्तूर रहा है, एक कानून रहा है, जैसा कि इस दुनिया के अंदर हम लोगों का भी एक कानून है, हर कंपनी का एक कानून है कि वो जो भी चीज इस दुनिया के अंदर इजाद करती है, बाइक बनाने वाली कंपनी बाइक बना रही है, इसी तरह दूसरी चीजें जो बनाने वाली चीज है वो बनाई जा रही है, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां खुल चुके हैं और लोग उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी चीज बनाई जाती है फैक्ट्रियों के अंदर कारखानों के अंदर, हर उस चीज के पीछे एक बहुत बड़ा प्लान होता है उनका। छोटी सी छोटी चीज भी अगर हो तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है। साबुन की एक कंपनी है, वो साबुन बना रही, लेकिन उस 5 रुपए के साबुन के पीछे, 10 रुपए के साबुन के पीछे उनका एक पूरा प्लान होता है और उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो जिस तरह कंपनी अपने सामान को बनाकर मार्केट में सप्लाई करती है और उसके जरिए से अपनी जिंदगी वो लोग गुजार रहे हैं, 2-2 रुपए करके 5-5 रुपए करके वो लोग इतना सामान तैयार कर देते हैं कि वो फिर करोड़ों रुपए में बिकता है। हम खरीदने जाते हैं, हमें ऐसा लगता है ये तो 5 रुपए कीमत है, इससे कंपनियों को क्या फायदा, बेचने वालों को क्या फायदा, लेकिन पूरी दुनिया अगर उस चीज का इस्तेमाल करे तो जितने लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा उस कंपनी को पहुंच रहा है। तो उन्होंने कभी अपनी चीज को हकारत की नजर से नहीं देखा। माचिस बनाने वाले माचिस बना रहे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मैं जो इस चीज को बना रहा हूं इसकी क्या हैसियत है मार्केट में, वो कभी नहीं सोचते। उन्होंने हमेशा अपनी बनाई हुई चीज को एक अलग नजर से देखा है, अलग नजर से। हमारी नजरों में माचिस की कोई हैसियत नहीं होगी, अगर कोई एक कांटी नीचे पड़ी रह जाए, नीचे गिरा रह जाए तो हम उसको शायद ही उठाएंगे, उसकी क्या हैसियत है। लेकिन उस कंपनी वालों से पूछें अगर कि इस एक कांटी की क्या कीमत है, क्या हैसियत है, वो आपको हिसाब करके बता नहीं सकता। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने
एक पूरा सिस्टम चलाया है, पूरा निजाम दुनिया में चला दिया, और छोटे से लेके इंसान को बड़ा कर दिया। उसके पीछे पूरा एक प्लान है, हुआ कर पूरा प्लान है कि किस तरह इंसान को दुनिया में भेजना है और किस तरह से फिर उससे अपने दीन का काम लेना है, फिर किस तरह से उसको नेस्त नाबूद कर देना है, खत्म कर देना है, मिटा देना है। मिटाने के बाद दुनिया वाले भूल जाएंगे कि कौन बड़ा मालदार था या गरीब था, दुनिया वाले भूल जाएंगे। कुछ दिन तक तस्किरा होगा, बातें होंगी, बिलाखिर 10 साल गुजर जाने के बाद कोई याद नहीं करता, कहानी खत्म। लेकिन फिर अल्लाह का एक निजाम ये भी है कि जो शख्स दुनिया से खत्म हो गया, जिसके चर्चे खत्म हो गए, जिसकी कहानी खत्म हो गई, जिसका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है, उसी शख्स को अल्लाह तबारक व तआला फिर उसी मुजस्समा में खड़ा कर देंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी तरफ बुलाएंगे। ये पूरा एक सेटअप चल रहा है, लेकिन हमें इसे उस नजर से देखना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि ए लोगो, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुमको यूं ही पैदा कर दिया है, कि हमने तुमको यूं ही पैदा कर दिया, तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वअन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, और तुम क्या ये गुमान करते हो कि तुम हमारी तरफ कभी लौट कर नहीं आओगे। चूंकि दुनिया के अंदर एक तादाद ऐसी है, एक जमात ऐसी है जिनका अकीदा ये है कि मरने के बाद हम खत्म हो जाएंगे, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं। इसी वजह से हिंदू भाइयों के अंदर यही रिवाज रहा है, जिस घर में इंतकाल हो जाए, जिस घर में मैयत हो जाए, वो डेड बॉडी को कभी भी दफनाएंगे नहीं, या कोई दफनाता भी होगा लेकिन उनका दस्तूर यही है कि जला दो, राख बना के दरिया में फेंक दो। लेकिन हम मुसलमानों के अंदर ये सिस्टम नहीं है। अगर हम इस तरह करते हैं कि राख बना के फेंक दिया, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला इतने कादिर हैं, कुदरत वाले हैं कि उन तमाम राख को जोड़कर फिर एक मुजस्समा उसी को तैयार कर देंगे। हम जिधर फेंकेंगे अल्लाह ताला उस सरजमीन से उसको उठाएंगे, ये अल्लाह का वादा है। इसीलिए हम लोग मरने के बाद भी इंसान को दफन करते हैं जमीन के अंदर। उसके बाद जब जमीन में इंसान दफन हो जाता है, डेड बॉडी दफन हो जाए, तो वो वैसा ही नहीं रहता जैसे हमने दफन किया। कुछ सालों के बाद अगर खोलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलता। फिर जिस जगह पे हमने जिस मुर्दे को दफन किया है, वहां कोई और आता है फिर करने के लिए, फिर उस जमीन की खुदाई भी होती है। अल्लाह ताला उसकी हड्डियों को, उसके गोश्त को खत्म कर देते हैं बिल्कुल। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो निजाम चलाया हुआ है कि हमने दुनिया में इंसान को भेजा है, अब उसके ऊपर है या तो वो मेरे कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ले या अपनी मनमानी कर ले। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, चाहे तो वो मोमिन बनकर रहे, चाहे वो काफिर बनकर रहे, लेकिन रिज्क का वादा अल्लाह ने ले लिया है तो अल्लाह ताला उसको पूरा कर दे। हम देखते हैं कि गैर मुस्लिमों के अंदर या वो लोग जो अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानते, सिरे से इनकार किए हुए हैं कि अल्लाह नहीं, या ये कि अल्लाह को मानते हैं लेकिन उनके साथ दूसरों को भी मानते हैं, अल्लाह भी है और 360 भी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो रिस्क हमें खिला रहा है वही रिस्क उनको भी खिला रहा है,
और हो सकता है उससे बेहतर भी खिला रहा, क्योंकि ये अल्लाह ने खुद वादा किया है कि जमीन के अंदर जितने चौपाए हैं और जितनी मखलूक है सबको रिस्क हम देंगे। दुनिया का वादा अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया, लेकिन आखिरत का वादा अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं लिया, वो बंदे के अमाल पे छोड़ दिया। वो भी उन लोगों का वादा लिया जो मोमिन है। इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाती कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला। यकीनन जो ईमान वाले अपनी अच्छी जिंदगी और अच्छे अमाल के साथ आते हैं तो जन्नतुल फिरदौस में उनकी मेहमान नवाजी होगी, ये अल्लाह का वादा है। वरना आगे अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे से हटा दिया, इन्नल लदीना कफरु व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, इनकार कर दिया है और हमारे भेजे हुए तमाम चीजों का इनकार किया, रसूल का भी, कुरान का भी और हदीसों का भी, ये चीज है ही नहीं, कुरान कोई चीज है। अगले जमाने के लोग कहते थे ये तो कही हुई बातें हैं, किस्सा है, कहानी है कुरान करीम। वइदा तुतला अलैहिम आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। जब उनके सामने कुरान की तिलावत सुनाई जाती कि अल्लाह का अभी उतर अहकाम उतरा है, तो वो कहते थे ये पागल लोगों की बातें हैं, ये बेकार बातें हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह का इनकार किया। तो ऐसे लोग अल्लाह ने अपने जिम्मे से नजात का कोई वादा नहीं किया। इसी तरह हदीस पाक के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन उसका जो दिल होता है, हर इंसान का ये जो दिल अल्लाह ने अंदर फिट करके रखा है उसके ऊपर भी जंग लग जाता है, जिस तरह से लोहे के ऊपर अगर पानी गिर जाए उसके ऊपर जंग लगता है, तो मोमिन के दिलों में भी जंग लगता है जिस तरह लोहे के ऊपर पानी गिरने से जंग लगता है। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल आप इरशाद फरमाइए कि उस जंग को हम दूर कैसे करें, क्योंकि ये दिल है, अब इसके ऊपर पानी कैसे बहाएंगे, इसको धोएंगे कैसे। कहा कि धोने की जरूरत नहीं है, पानी बहाने की जरूरत नहीं है, दो काम कर लेना तुम्हारे दिलों के अंदर से जंग खत्म हो जाएंगे। पहला काम है जिक्रुल मौती व तिलावतुल कुरान। जिक्रुल मौत यानी मौत को कसरत से याद करना, पहला काम अपनी मौत को कसरत से याद करना, और दूसरा काम है कुरान करीम की तिलावत करते रहना। ये दो काम अगर जो कर लेता है तो उसके दिल से जो जंग लग गया है वो खत्म हो जाएगा। अब जो शख्स मौत को याद करता है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि इस मस्जिद में जनाजा हो रहा है, कभी फला मस्जिद में जनाजा का ऐलान हो रहा है, हम लोग देखते हैं। और जब भी कब्रिस्तान से हम लोग गुजरते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कोई ना कोई इसमें दफन होने आया है, आया है, लेकिन हमें अपनी फिक्र नहीं, तब भी नहीं होती, अरे कोई आया होगा, मरा होगा, चलो ठीक है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो शख्स अभी दफन होने आया है उसकी जगह हम भी हो सकते हैं, उसकी जगह हम भी, क्योंकि हम अगर किसी के खानदान में इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला इस बात पे भी कादिर था